राधा अष्टमी है। आपको बता दें कृष्ण और भक्ति के पावन स्थल इस्कॉन मंदिर दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भी राधा अष्टमी यानी राधा जी की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बता दें हिंदू पंचांग अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार आज यानी 14 सितंबर दिन मंगलवार को यह व्रत रखा गया है। बताते चलें कि मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए इसको जन्मोत्सव के रूप में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी व्रत में महिलाएं उपवास रखती है, राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा भी करती है। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर में क्या कुछ प्रभु की कृपा के भक्त कह रहे हैं जरूर देखिए। अष्टमी पर द्वारका इस्कॉन मंदिर में महाआस्था के इस केंद्र में प्रभु श्री अर्चित प्रभु जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं ज्ञान के कुछ दो शब्द। हरे कृष्णा, आज बहुत ही पवित्र पावन दिन है। यहाँ की तक की जन्माष्टमी भी ज्यादा पावन दिन है क्योंकि भक्तों के जीवन में श्रीमती राधा रानी का बहुत बड़ा हाथ है। वाकई में कोई अगर कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसको राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना अति आवश्यक है। वही एकमात्र है जो जीव को भगवान की सेवा में लगाती है। भगवान से बोलती है कि मेरे से भी अच्छा डिवोटी है, कृपा करके इसको अपनी सेवा में लगा लीजिए। और श्रीमती राधा रानी की बात को भगवान कभी नहीं टालते। तो वाकई में अगर कोई भक्त श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए बोला गया कि वृंदावन की वृंदावनेश्वरी है श्रीमती राधा रानी, कृष्ण तो केवल उनके सर्वेंट बनकर के वहां पर उनकी सेवा करते हैं। तो ये भाव भक्तों का भी होता है कि किस तरह से कृष्ण को अच्छे से अच्छे सर्व किया जाए। और कृष्ण भी जब जिस तरह का हम प्रेम उनके प्रति रखते हैं तो भगवान का भी ये भाव रहता है कि कैसे भक्तों को अच्छे से अच्छे सर्व किया जाए। तो इस तरह से भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी को सर्व करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं और श्रीमती राधा रानी स्वयं उनकी सेवा करना चाहती हैं। और ये कॉम्पिटिशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चलता रहता है। ऐसा ही कॉम्पिटिशन भक्तों के बीच में भी आपस में चलता रहता है। तो ये सब किससे सीखते हैं? श्रीमती राधा रानी की सेवा भाव से। सबसे बड़ी सर्वेंट है वो श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण की सेवा में खुद भी लगी हुई है और भक्तों को लगाती है। तो ये आज बहुत ही पवित्र पावन दिन है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि श्रीमती राधा रानी की शरणागत ग्रहण करिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए और कृष्ण की भक्ति को करने का प्रयास करिए। आप पर भी अति कृपालु अति दयालु श्रीमती राधा रानी कृपा करेंगी और कृष्ण की सेवा में आपको भी लगाएंगी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रेम से जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपको बता दें कि राधाष्टमी व्रत के दिन निर्जला व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करें। भक्तों को चाहिए कि वे राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें। अभी कुछ दिनों पहले ही पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी यानी कृष्णाष्टमी मनाया गया। कृष्ण की भक्ति में डूबे तमाम भक्त प्रभु श्री कृष्णा को उनके जन्मदिन पर उपवास भी रखे और व्रत भी किए। उनके बारे में हमारे प्रभु ने कहा था कि ये कई करोड़ एकादशी व्रत का समान है। आज हम प्रभु जी से फिर जानेंगे कि प्रभु के बेहद प्यारी राधा रानी उनके जन्मोत्सव पर राधाष्टमी पर, जी हाँ आज राधाष्टमी है, आज प्रभु जी क्या कुछ नया बताते हैं और भक्ति के रस में कैसे आप सराबोर होते हैं। आइए। तो हरे कृष्णा, मैं प्रशांत मुकुंदास इस्कॉन में एज अ सीनियर काउंसिलर सेवा करता हूँ और राधाष्टमी आज वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता की पुत्री प्रिया पुत्री श्रीमती राधा रानी आज ही के दिन उनका प्राकट्य होता है। पूरे संसार को कृपा बरसाने वाली श्रीमती राधा रानी की जय। तो आज राधा रानी प्रकट होती हैं और राधा रानी के व्रत राधाष्टमी व्रत का दोपहर के 12 बजे तक ही रखा जाता है और उसके बाद फिर अन्न प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो आज विशेष तैयारियां हुई हैं। 108 दिव्य पदार्थों से राधा रानी का अभिषेक किया गया है और 1008 स्पेशल भोग लगाए गए हैं राधा रानी को। कहते हैं राधा रानी की राधाष्टमी का अगर कोई व्रत कर लेता है करोड़ों करोड़ों जन्मों में किए गए पाप, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, ऐसे पाप अगर अनजाने में भी कोई व्रत कर ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई श्रद्धा पूर्वक कर ले उसे समस्त कोटि तीर्थों में भ्रमण करके स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो राधाष्टमी का व्रत आप सभी का शुभ मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपने सुना कि जाने अनजाने में भी यदि आपसे कोई पाप हुआ है और पृथ्वी लोक पर अगर आप हैं धरतीवासी हैं तो निश्चित मानिए कि यह पाप जो है वह तो होता ही है। अनजाने में ही सही न जाने कितने जीव जंतुओं को हम कुचल देते हैं अपने पैरों तले। आज अगर यह व्रत आप करते हैं तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि आपके अनजाने में भी किए गए पापों को माफी मिल जाती है। क्षीर सागर में बैठे प्रभु श्री कृष्णा सबको माफ करते हैं। प्रभु जी, इस व्रत के बारे में तो आपने बताया कि ये पापों को मुक्त करने वाला व्रत है, लेकिन राधा जी रानी
जो कृष्ण की बेहद प्यारी थी, उनका जन्मोत्सव है, और ऐसे जन्मोत्सव के पर्व को करने की क्या विधि विधान है, क्या इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, राधा रानी का जो जन्म है वो बड़ा ही दिव्य जन्म है। वृषभानु महाराज को सहस्त्र कमल दल पर यमुना नदी में प्राप्त हुई श्रीमती राधा रानी। शरीर से सहस्त्र सूर्यों का तेज निकल रहा था और उस लाली को लेकर के संसार के लोग सोचते हैं शायद लक्ष्मी जी का अवतार है राधा रानी और विष्णु जी का अवतार है कृष्ण। लेकिन श्रीमद् भागवत, ललित माधव ग्रंथ और अनेक हमारे गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके अनेक ग्रंथों में वर्णन है कि राधा रानी संसार की अधिष्ठात्री शक्ति है, आदि शक्ति है राधा रानी। उन्हीं से प्रकट होती है पार्वती, दुर्गा, सहस्त्र लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ये सब की प्राकट स्वरूप कौन है? स्रोत्र है श्रीमती राधा रानी। तो आज का दिन तो कृपा का दिन है। भगवान कृष्ण का व्रत रखो तो नियम होते हैं, पहले धर्म का त्याग करो, मेरी शरण में आओ, अहम तुम सर्व पापेभ्यो, तब तुम्हारे सारे पापों से मोक्ष, मैं तुम्हें मुक्त करूं। लेकिन राधा रानी कहती हैं, माँ है ना, माँ का हृदय थोड़ा कोमल होता है कि तुम पापी हो, जैसे भी व्यक्ति हो, कितने भी तुम पाप करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी इच्छा कृष्ण भक्ति की है तो तुम अगर मेरे मंदिर में आ गए तो मैं आज तुम पर कृपा कर दूंगी। तो राधा रानी कृपा बरसाने वाली, इसलिए उनके धाम को बरसाना धाम, जहां सदा कृपा बरसती रहती है। पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने, जहां देखे कृष्ण भक्त करे प्रेम दाने। जहां कृष्ण भक्त देख लिया, राधा रानी उसको पात्रता भी प्रदान करती है और प्रेम दान भी करती है। पात्रता यानी कि चरित्र देती है। अब कई लोग होते हैं शराब सिगरेट पीते हैं, संसार के कहते हैं हम तो भक्ति नहीं कर सकते इस जीवन में, राधा रानी कहती कोई बात नहीं, तुम राधाष्टमी का व्रत करो, मैं तुम्हें पात्रता भी दूंगी और भक्ति भी प्रदान करूंगी। तो आपने सुना, भक्ति के सागर में आप जितने भी गोते लगाएं, आपको ऐसे अनमोल रत्न मिलेंगे, ऐसी अनमोल ज्ञान मिलेगी जिसे जितने भी बताया जाए कम है। इसको हम द्वारका दिल्ली से हम ऐसे ही रत्नों को लेकर आपके बीच आते ही रहेंगे और प्रभु से नई नई ज्ञान के स्रोत को आपको बताते रहेंगे। बता दें कि इस्कॉन मंदिर में 108 द्रव्यों से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को श्रृंगार किया गया, अभिषेक किया गया। यही नहीं, 1008 महाभोग भी लगाए गए। ऐसे महाभोग और महाश्रृंगार के साथ इस्कॉन मंदिर भक्ति और आस्था का महाकेंद्र में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस जन्मोत्सव की जितनी वर्णन की जाए उतनी कम है। आपको बता दें कि इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भीड़ से उमड़ पड़ी और हरे कृष्ण और राधा के बोल के साथ सभी नृत्य करते हुए भजन और कीर्तन करते देखे गए। प्रभु की कृपा पाने के लिए हर कोई ललायित, और ऐसे में आपको बता दें कि प्रभु की कृपा के लिए इस्कॉन मंदिर में प्रभु के भक्त अपने आस्था के साथ पहुंचे हुए थे। सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, साथ ही गोपी और विभिन्न तरह की यहाँ पर झांकियाँ थी, मानो मन को पुलकित कर दे। ऐसे पावन स्थल पर आकर भला कौन धन्य नहीं होना चाहेगा। इस्कॉन मंदिर द्वारका एक बार दर्शन को जरूर आए। को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।